अजीज अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का जाहिर करें। चौधरी अजीज अकबर साहब उम्मीदवार असेंबली नूर फखरे डियाल चौधरी मोहम्मद खालिद साहब चौधरी जहूर सरवर साहब सबक चेयरमैन तहसील रंगाल चंद्र साहब निगर स्टेज पर बैठे मेरे भाई दोस्त बैठे भाई अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी जबान की गल करती ऐसे मुझे अपनी जबान की गल करा। आज जिस तरह मैं मेरा है केवल डेढ़ दो मिनट बाद आया जिला में तक क्या हार कर रहे हैं सड़क मौजूद है शाह अपनी कोला नारा इतने तक सड़क मौजूद है सड़क दलों बहुत हो चुकी सबकी पता भी है खाली शाख नहीं शाख पटियाल पटियाल तो पलाक पलाक तो गरगली कठाड़ तक पूरे पटियाल सड़क बनिया। एक बड़ी दिलचस्प गल मैं सभी बना अगर उस समय पर उस समय की इतराज हो है तो कल हमारे सामने इसी तरह गल करी मिला इस पूरे इस सत्तावन ने कितने भी उम्मीदवार या सभी जो इस टाइम उन्होंने सब ने करे ने सड़कों की कुछ खाल सब ने वो अपने कर्म की सड़क नहीं बनवाई सके वो तो की क्या काम करे कि दसन उन्हें बनाने मैरिज हॉल प्लाजे ये उन्होंने एक मशहूर है सो की पता भी है सो खालिद साहब ना ना ही कोई प्लाजा है ना कोई मैरिज हॉल है। और मैं अगले दिन से चार की मीटिंग थी उसने से भया आज मैं फिर बना असम से जी सब जो फखर की गल है वो ये आ कि कोई आदमी इतना कल भी है वरन करप्शन कर दे रहे मैं आखना कोई बंदा ये गल आखी नहीं सकना तमाम जितने सरकारी महकमे उन्होंने बल्कि असे आने पर तो सुन बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि जिन्हों की जो खाने के साथ बड़े लोग जेड़े ना ही खुद खाने ना उस तो भी खाने रहे हैं उस बाद थैंक्स है कि हमारे भाई उस बार में भी गलत की है मैं तो ऐसा भी ना कि इन्होंने कुछ नोटिस ही शायद लिया ये भी गलत नहीं भी जड़ी जाकर नोटिस ही नहीं जरूर उड़ी होता है जवान का जवान बन गया और इन्होंने तो मुझे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह कामयाब हो सर होए सब छोटा नाट में सारे छोटे लोग सी क्यों रहना भी क्या कुछ बाकी पार्टियां निकल कर रहे हो पीटीआई तो पाकिस्तान में क्या आचरण करी जाए उन्हें चार हजार कश्मीर भी वो एक गंडापुर मेरा सब गंडापुर जिला कश्मीर की गाली देना क्योंकि पीटीआई ले और भी कई वजीर कश्मीर की गाली देने तो सब उनका की जवाब देना है तो कश्मीरी गैरतमंद है और मौजूदा कश्मीर तक सब बेची तो रहे छड़े हो आजाद कश्मीर भी बेचना चाह रहे हो और सब के सना बेचन दे रहे बड़ी बात हो रहा वहां में और मैं एक बार फिर तुसा के अपील कर सा स्पेशल ही दोस्तों कुछ एक बेंच ने चा सेठ ना चो उन्होंने सब ने अपने अपने ख्याल पड़े अपने अपने मशीले उड़े तो खुद सोची दे सिर्फ 5 मिनट वैसा सोचो तो इस सड़े नियार ने क्या हाल है आज जिस बंदे कार पर सड़कों ट्रांसफार्मर स्कूल वाटर पंप के देते अगर उस बंदे की नजर अंदाज करो तो मैं तो सुनने में अल्लाह ताला ने आजाद की तकड़ी है ये बड़ा गुनाह हो सी असों की अपना हक अदा करना चाहिए असों कई साल पैसे नदी पे जा इन असों की मायूस नहीं होने देता आज सारा सिर्फ फकीर नाल बुलंद है
ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜੀ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਦਿਓ ਪੰਜੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਰਗੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਬਾਸ਼ਾਹੂਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੁਸੇ ਕੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਕੁਸੇ ਖੜਪੇਸ਼ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ रस्ते बंद करी उठसा बड़ी शराफत प्यार शासन कर रहे कोई बंदा सिया तू कर मगर ये जरूर है अगर उसका गरीब और जाति की कोशिश की गई तो फिर उनमें सब तो क्या होगा फिर है फखरे सियार कोटा चौधरी परवेज जैसे शफीक जट जैसे शौकत किमर जैसे हम वाले अक्कल तो दी बनारस साहब ये भी रिटायर आई कोई कही गए थे बड़ा मुड़े ने मुड़ा लाई सड़ना टूरने इतना बड़ा एक और भी शेर है सोची समझी दो एक ऐसा फैसला करो जिसने आसानियां पूरे डडियाल ने शहर की हालत थी इन्हों रोडों की हालत थी उसने कुछ सोचो मैं एक बार फिर सो गया शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है जिस तरह तो आज आए हो इस रास्ता में तारीख सड़ी कायदा है ये मरी मुवाद उन्होंने भी इस्तेमाल करने से जसो और पंजी तारीख इस तरह डिप्टी दसो और सो भारत साहब की दसो मूल लीग की दसो पाकिस्तान की खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कर दो आजाद कश्मीर की खूबसूरत बनाने से अपना किरदार अदा कर दो एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ गरीबा